हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और हम देख रहे हैं जेनकिंस। इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं गिटहब प्लगइन के बारे में, देखेंगे किस तरह से हम गिटहब पर हमारा, मान लीजिए डेवलपर ने कोड डाला हुआ है और उसको हम लाना चाहते हैं यहाँ लोकल में। मैं सबसे पहले एक जॉब क्रिएट कर लेता हूँ, तो पहले तो हम देखेंगे एग्जीक्यूट सेल में लिख कर उसको, उसके बाद हम फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे वर्क स्पेस को हम कैसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक जॉब बना लेता हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, क्योंकि आने वाले उसमें हम इसका काफ़ी यूज करेंगे, गिटहब का ही यूज होगा। कोड हमेशा गिटहब पर रहेगा, मान लीजिए डेवलपर ने कोड गिटहब पर डाला और वहाँ से हमें यहाँ लाना है, उसको बिल्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ मैं फ्री प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ ओके किया मैंने, तो ये हमारे एक जॉब हमारी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो अपने मुताबिक डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मल ऐसे ही डाल देता हूँ, अभी गिटहब का मैं यूज कर रहा हूँ, तो गिटहब एंड क्लियर वर्क स्पेस, ठीक है, या डिलीट लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हम गिटहब का यूज करने वाले हैं, बहुत काम आएगा दोस्तों ये वीडियो, स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाता हूँ। तो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर एग्जीक्यूट शेल पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ स्क्रिप्ट लिखता हूँ। पहले मैं एलएस करके देख लेता हूँ और एलएस करके देखता हूँ कि यहाँ वर्क स्पेस में पहले से कोई फाइल तो नहीं है, उस अगर नहीं होगी तो हम गिटहब से जो कोड होगा वो यहाँ लेकर आएंगे, उसको एलएस करेंगे। तो यहाँ मैं यहाँ पर कंसोल में देखता हूँ, बिल्ड बना लिया हमने, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है एलएस करने के लिए इस वर्क स्पेस में। हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहां हमने कॉन्फिगर, और देखिए गिटहब पर मैं आपको मैंने कई बार बताया, जैसे मेरे यहां पेजेस हैं तो मैं एस्टेक एज यू लिखना है बस मुझे github.com के बाद, और यहां टेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट उठा लेता हूं, दो फाइल से सिंपल कहीं मैंने डाली थी। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे ये फाइल्स लेकर जानी है, प्रोजेक्ट लेकर जाना है अपने गिटहब पर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कॉन्फिगर कर लेते हैं और जाते हैं एग्जीक्यूट शेल में, और वहाँ पर मैं क्लोन वाली स्क्रिप्ट वो लिख देता हूँ, ठीक है, गिट क्लोन, और यहाँ मैंने उसका एड्रेस दे दिया गिटहब का, बिल्ड किया मैंने। तो देखिए ये यहाँ रेड हो गया, अगर ये ग्रीन हो गया, ओके सक्सेसफुल हुआ बिल्ड। मैं कंसोल में जाता हूँ तो कि एलएस किया मैंने, तो टेस्टिंग नाम का जो फोल्डर था वो यहाँ पर आ गया हमारे जेनकिन में, ठीक है। एलएस जो हमने दिखा एलएस में दिखा रहा है वो जो हमने एलएस कमांड लगाया था। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ क्या चलेगा, ये ऑप्शन दिखा, क्योंकि पहले से हमारे पास ये है प्रोजेक्ट आ चुका है। तो कंसोल में जाते हैं तो देखिए एरर शो कर रहा है, ये बता रहा है कि ये पहले से आपने इसको जी मंगा रखा है यहाँ पर प्रोजेक्ट को। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं किस तरह से जो पहला प्रोजेक्ट है वर्कशॉप स्पेस में वो क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, वहाँ से चला जाए और उसके बाद दोबारा से वो इंस्टॉल हो। तो मैं एक छोटा सा, जैसे कि अबंतु में लिखते हैं कमांड, वो दूंगा यहाँ पर RS, और मैं इसको रिमूव कर दूंगा, जो पहले प्रोजेक्ट होगा पहला होगा वो डिलीट हो जाएगा, वर्क स्पेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद दोबारा वो इंस्टॉल होगा। मैंने देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं टेस्टिंग में, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये देखिएगा टेस्टिंग क्लियर हो गया, उसके बाद फिर से बनाया, ठीक है, फिर से आया प्रोजेक्ट और यहाँ शो कर दिया उसने इसमें कितनी फाइल्स हैं। तो ये तो रहा हमारा प्रोजेक्ट गिटहब से हम कैसे लेकर आ रहे हैं, वो भी एग्जीक्यूट शैल के अंदर। तो अभी हम दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे उसका। तो यहाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन मैंने क्लियर किया, तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से हटा दिया एग्जीक्यूट शैल से रिमूव वाला कमांड, तो आप वो परमानेंटली उसको सेव कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही चला है, देखो पहले वर्क स्पेस क्लियर किया, उसके बाद चलाए, उसके बाद लिस्ट दिखाया उसने, ठीक है। इस तरह से गिटहब से हमने कोड मंगाने का जो तरीका है वो सीख लिया है, ठीक है, जेनकिन को यूज करते हुए, जेनकिन्स को यूज करते हुए। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, जरूरत होगी तो आप ठीक कर सकते हैं और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ अब यहाँ पर कैट करना, यानी इनमें से कोई एक फाइल है जिसको मैं कैट करना चाहता हूँ, उसका जो कंटेंट है वो देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ बिल्ड पर क्लिक किया, कंसोल किया,
तो यहाँ पर देखिएगा कुछ गलत किया मैंने, फाइल नेम नहीं देख पाए हम। चलिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ मैंने फाइल का नाम सही कर लिया, मैंने बिल्ड किया और ये रहा हमारा सक्सेस होना चाहिए इस बार, ग्रीन कलर। ओके सक्सेस, कंसोल में गए तो इस बार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लोन बनाया उसने, क्लोन किया और वहाँ उसने हमें कंटेंट भी दिखा दिया। आप यहाँ ओपन करके देख सकते हैं जो है वहाँ, वहाँ आप देख पा रहे हैं उस कंटेंट को। तो इस तरह दोस्तों हमने गिटहब से मंगाया प्रोजेक्ट है उसको हमने। चलिए मैं यहाँ अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो मैंने एग्जीक्यूट शैल में लिखा था, ठीक है। अब धीरे धीरे हम क्या ना ऑटोमेट की ओर बढ़ेंगे। मैं एक जॉब क्रिएट कर लेता हूँ अभी, तो फिलहाल हम देख लेते हैं। अब मैं इसको फ्री स्टाइल ले लेता हूँ, ये मैंने एक जॉब क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको कहाँ कॉन्फ़िगर करता हूँ, चलिए यहाँ पर एक ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ में बनाऊंगा। मैं यहाँ गया तो यहाँ सिंपल मैं क्या लिखूंगा, ls लिया मैंने, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ क्या करता था, पहले मैं एको करा के देख लेता हूँ कि ठीक से चल रहा है। चले बिल्ड किया, सक्सेसफुल रहा, कंसोल में जाएंगे बिल्कुल ठीक चला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और फिर से मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो यहाँ नहीं करूँगा मैं, अब यहाँ से फिर से मैं उठाता हूँ यहाँ एड्रेस। अब मैं पहले क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी एक बार और दिखा देता हूँ बिल्ड बना के। और यहाँ देखते हैं कंसोल में, तो ये देखिए अभी तक हमने ऐसे किया था, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा से मैंने एक बार और बता दिया आपको। अब देखिए मैं कहाँ करने वाला हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ क्लिक करता हूँ गिट ऑप्शन पर, अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, ये परमानेंट यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। क्रेडेंशियल की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ मेन करना होगा मुझे, रिपोजिटरी का नेम लिखना होगा कौन सी मैं मेन यूज कर रहा हूँ, यहाँ से मंगाना है मुझे, ठीक है। और यहाँ आप करेंगे हम बिल्ड बनाएंगे। देखिए अब मैं एग्जीक्यूट शैल में मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो देखिए हमारा सक्सेस रहा। आप चेक करते हैं, ओपन किया, कंसोल में गए, सक्सेस रहा देखिए। तो इस तरह से हम आगे यहां से किया करेंगे, ठीक है। अब वहां पर वो हमेशा सेव रहेगा मेरे पास, पब्लिक रिपोजिटरी थी इसलिए मैंने वहां पर क्रेडेंशियल नहीं दिया है। तो कोई प्राइवेट होती तो उसमें पासवर्ड वगैरह देना पड़ता, यूजर नेम पासवर्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर, आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने देखिए सेटिंग की थी इसकी, डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, एक बार फिर दिखाता हूँ मैं यहाँ भी वर्क स्पेस कैसे डिलीट करना है। देखिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, बिल्ड किया तो पहले वो डिलीट करेगा, ओके ठीक है, पहले वर्क स्पेस क्लियर करेगा, वो फिर से उसको क्लोन बनाएगा, क्लोन के वहां से प्रोजेक्ट लेकर आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिस्ट कर देगा उसको, सिंपल दो तीन तरह की चीज़ देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक।